नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस चैनल का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। सबसे पहले कोई कपड़ा या फिर किचन टॉवल लेंगे, हल्का सा गीला कर लेंगे और अब इस पर डालेंगे एक छोटी कटोरी चने की दाल। तो कपड़े से चने की दाल को इस तरह से पोंछ कर साफ कर लेंगे, क्योंकि चने की दाल में या कोई भी दाल हो गई उसमें बहुत सारा केमिकल लगा होता है, गंदगी भी लगी होती है। तो हल्के गीले कपड़े से इसको हम पोंछ लेंगे तो दाल भी गीली नहीं होगी और जितना भी केमिकल या गंदगी लगी है सब निकल जाएगी। आप चाहें तो 2 से 3 बार में ये प्रोसेस कर सकती हैं। किचन टॉवल को धुल लीजिए और अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसमें इस दाल को पोंछ कर सारी गंदगी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर दाल देखिए अच्छे से साफ हो चुकी है। अब इस दाल को आप चाहे तो आधे से 1 घंटे के लिए धूप में सुखा सकती हैं। अब इसको डालेंगे मिक्सी जार में और इसका ढक्कन बंद करके पीस लेंगे। बहुत ज्यादा दाल एक साथ नहीं डालेंगे, तो मैं थोड़ा ही ली हूँ इसलिए पूरा डाल दी हूँ। आप ज्यादा मात्रा में ले रही हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अब मिक्सी को करीब 1 मिनट तक चला लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एकदम फाइन पाउडर पीसकर तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको छानेंगे। कोशिश कीजिए कि जो मैदा छानने वाली छन्नी होती है उसी से छानिए, तो ये एकदम महीन पाउडर जैसा तैयार होगा। और इसका जो मोटा भाग निकल रहा है इसको फिर से मिक्सी जार में डालकर फिर से महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम महीन पाउडर जैसा ये तैयार हो चुका है। अब इसको फिर से छान लेंगे तो ये हमारा बन गया चने का बेसन। तो चने से घर में बेसन बनाने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन इस बेसन को हम ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकते क्योंकि दाल को पोंछने के बाद धूप नहीं दिखाए हैं। तो अगर आप दाल को पोंछने के बाद या फिर धुलने के बाद धूप दिखा दीजिए उसके बाद बेसन तैयार करेंगी तो फिर इस बेसन को लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो है ना बहुत कमाल की टिप घर में बहुत आसानी से चने का बेसन बनाने की। तो अगर आपको भी थोड़े मोड़े बेसन की जरूरत है और आपके पास बेसन नहीं है, चने की दाल रखी हुई है, तो इस तरह से फटाफट घर में बेसन बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कभी कभी अचानक से ही प्लान बनता है कि आज राजमा बने या फिर छोले बने, तो काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारे पास भीगा हुआ राजमा या छोले तो होते नहीं है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर आप रात में छोले या राजमा भिगाना भूल जाए तो किस तरह से बस 1 से 1.5 घंटे में ही इसको भिगाकर तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 कप काबुली चना। तो यहाँ पर आप छोटा, मीडियम या फिर बड़ा वाला चना भी ले सकते हैं। तो इसको एक बर्तन में डाल दी हूँ। अब इसमें डाल देंगे गर्म पानी और बढ़िया से गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। 2 कप चना है तो 4 कप गर्म पानी मैं इसमें डाली हूँ। अब इसको ढककर ऐसे ही रख देंगे और 1.5 घंटे के बाद चेक करेंगे कि हमारा चना कैसा फूला है। मैं यहाँ पर चना भिगा कर बता रही हूँ, आप इसी तरह से राजमा भी भिगा सकती हैं। तो बस घड़ी देखकर पूरे 1.5 घंटे हुए हैं और देखिए 1.5 घंटे में ही चना बहुत अच्छे से फूल चुका है, ये देखिए। तो अगर आप छोले या राजमा बनाने के लिए पहले से चना या राजमा भिगाकर नहीं रखी हैं, तो इस तरह से सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही चना भिगाकर तैयार कर सकती हैं। अब इससे आप अपना मनपसंद छोला बनाइए या जो भी रेसिपी बनानी हो बनाकर तैयार कर लीजिए। आम का सीजन आ चुका है और हम पके आम कई तरीके से खाते हैं। पके आम से हम कई सारी रेसिपी बनाते हैं और कई सारा शेक बनाते हैं, मतलब पके आम का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो कुछ भी बनाने के साथ साथ अगर आप उसको थोड़ा सा पके आम से ही डेकोरेट कर दीजिए तो देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद तो बढ़िया रहता ही है। तो आज मैं पका आम कट करने का तरीका बता रही हूँ जिससे आप जो भी चीज बना रहे हैं साइड में उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं पका आम ली हूँ। हम कोई भी रेसिपी बना रहे हैं पके हुए आम की, तो
तो रेसिपी को साइड में रख देंगे। तो इस तरह से पहले एक पीस कट कर लेंगे और फिर ऐसे हल्का हल्का इसको कट करेंगे। छिलके को नहीं कट करना है, बस इसके पल्प को ऐसे कट करना है। और अब इधर से आप चाहे तो स्क्वायर में कट कर दीजिए और चाहे तो हल्का सा जैसे बर्फी होती है ना उस तरह से कट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसको हल्का सा ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से करके हम इसको साइड में रख देंगे। आप कोई भी रेसिपी बना रही हैं, आम की खीर, आम की सेवई या फिर केक वगैरह, मैंगो शेक या जो भी रेसिपी बना रही हैं, तो साइड में इसको ऐसे रख दीजिए। जो भी रेसिपी आप बनाई हैं उसका लुक बढ़ जाएगा। और कभी कभी होता है कि हमें आम को सर्व करना पड़ता है, ऊपर से भी थोड़ा सा डालना पड़ता है, जिससे जो रेसिपी हम बनाए हैं वो रेसिपी देखने में अच्छी लगे। जैसे कि मैंगो शेक बना रहे हैं तो ऊपर से भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े आम के रहते हैं कि देखने में रेसिपी अच्छी लगे। और अब इसको ऐसे करने के बाद अब इसको ऐसे छोटे छोटे क्यूब में कट कर लीजिए। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब में कट करके जब आप किसी भी रेसिपी को डेकोरेट करेंगी तो वो रेसिपी देखने में और अच्छी लगती है। अब कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे आम का पल्प बिल्कुल भी बेकार ना हो, तो उसके लिए क्या कीजिए, इस तरह से कट कर लीजिए। और अब लीजिए चम्मच, चम्मच को यहाँ किनारी पर छिलके के और पल्प के बीच में ऐसे करिए और सब तरफ से ऐसे घुमा दीजिए। इस तरह से घुमा दीजिए तो छिलका अलग हो जाएगा और पल्प अलग हो जाएगा। अब कभी कभी हमें लंबे और पतले लच्छे में आम चाहिए होता है, तो उसके लिए आप इसको पतला पतला ऐसे कट कर लीजिए। जितना पतला कट करना चाहे ऐसे कर लीजिए और अब इसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए। अब इसको ऐसे कीजिए और इसको जितना पतला आपको चाहिए उतने पतले लच्छे में कट कर लीजिए। तो ये देखिए ये पतले पतले लच्छे में हो गया है। आम के सीजन में आप कोई भी रेसिपी बना रही हैं तो इन सब तरीकों से अगर थोड़ा सा सजा देंगी तो रेसिपी का लुक और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट टिप है हमारी झाड़ू को लेकर। तो हम सभी के घरों में इस तरह की फूल झाड़ू तो होती ही है, तो कुछ दिनों पर ये टूट जाती है या तो फिर इसका ये जो पकड़ने वाला है ये फट जाता है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की पुरानी फूल झाड़ू पड़ी हुई है जो टूटी हुई है तो उसका भी बहुत अच्छा रीयूज कर सकती हैं। तो इसके लिए पहले हम इसके कवर को हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये फट चुका है तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब ये झाड़ू का सारा फूल जो है वो निकल चुका है। अब इसको टाइट करने के लिए इस तरह की तीलियां लगी होती हैं। ये तार वाले झाड़ू का जो तार होता है ना वही है, इसको टाइट से ये बढ़िया से फिट रहे इसलिए लगा देते हैं। तो इसको हम निकाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ झाड़ू का ये फूल लेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब आपके पास अगर कोई पुराना डंडा है तो उसको ले लीजिए, नहीं है तो फिर जो पर्दे की डंडी होती है उसको भी ले सकती हैं, और या तो वाइपर का डंडा या तो फिर पोछे का डंडा, वो सब भी ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बांस का पतला डंडा ले रही हूँ। तो इसको झाड़ू के यहाँ पर ऐसे सेट करके हम रखेंगे, पहले एक किनारी पर जहाँ डंडा पतला है वहां पर झाड़ू को ऐसे सेट करके रख देंगे। अब हमें चाहिए रस्सी, तो पतली रस्सी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर रस्सी नहीं है तो कोई तार है पतला जो मुड़ सके उसको भी आप ले सकती हैं। रस्सी को इस तरह से झाड़ू और डंडे सहित ऐसे लपेटेंगे, बहुत ज्यादा पास पास में लपेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी दूरी पर इसको हम लपेटते जाएंगे जहां तक झाड़ू है वहां तक। अब यहाँ पर इसको हम टाइट करके बांध देंगे, खूब अच्छे से खींच कर टाइट करेंगे, दो तीन बार इसको लपेट देंगे और फिर से उल्टे साइड में इसको लपेटेंगे। जिधर से हम लेकर आए थे सुतली को उसी तरफ से फिर से लपेटते जाएंगे। तो सुतली से देखिए क्रॉस क्रॉस इस तरह से बनता चला जाएगा, इससे ये एकदम मजबूत हो जाएगा। अब सुतली की जो पहली वाली किनारी है उसको लेंगे और ये आखिरी वाली को लेंगे। अब दोनों को खूब बढ़िया से टाइट करके बांध देंगे। कितना भी आप इसको यूज कीजिए तो ये जल्दी ढीला नहीं पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा सुतली को हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा बन गया बहुत बड़ा सा लंबा सा झाड़ू। अब इसका यूज कैसे करना है,
तो हमारे घरों में जाला लग ही जाता है, तो जाला साफ करने के लिए हम मार्केट से बहुत महंगा जाला साफ करने वाला लेकर आते हैं, लेकिन ये बन गया है फ्री में जाला साफ करने के लिए। तो घर के छतों में या पंखे में अगर जाला लग जा रहा है तो इससे बहुत आसानी से आप साफ कर सकती हैं, और इससे बहुत अच्छे से जाला साफ भी हो जाता है और इसकी लंबाई भी काफी होती है, तो आप जितना चाहें उतना लंबा डंडा इसमें लगा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी पुरानी झाड़ू पड़ी हुई है तो फेंकने से पहले 10 बार सोचिए और इस तरह से जाला साफ करने वाला फ्री में बनाकर तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे YouTube परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।